और अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां हिंदुओं के साथ जुल्म खत्म ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बच्ची से हैवानियत हुई है, गैंगरेप मर्डर कर कचरे के ढेर पर फेंका। पाकिस्तान के कराची शहर की यह घटना है। पाकिस्तान में हिंदू बच्ची से हैवानियत हुई है। पाकिस्तान में 12 साल की मासूम से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि हुआ क्या है पाकिस्तान में। रेस्टोरेंट में खाना मांगने गई बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। चौकीदार वकार अली ने दोस्तों के साथ लड़की को अगवा किया। सबसे पहले वकार अली ने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद कत्ल करके कचरे के ढेर में फेंक दिया बच्ची को। पोस्टमार्टम में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। तो यह कोई पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान में रोजाना अल्पसंख्यकों के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता रहता है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, यह आप देखिए। हर साल 1000 से ज्यादा धर्म परिवर्तन अपहरण के मामले पाकिस्तान में होते हैं अल्पसंख्यकों के साथ। 12 से 25 साल के हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता, अगवा किया जाता है। 75% लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं। 2022-23 में अल्पसंख्यकों पर 35 मामले दर्ज किए गए। 171 अल्पसंख्यकों को अभियुक्त बनाया गया। 1947 से अभी तक 408 बड़े हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान में हिंदू व्यापारियों पर भी हमले होते हैं, उन पर भी एक बड़ा खतरा है। 25 हिंदू व्यापारियों ने परिवार के साथ मुल्क छोड़ दिया है, इस कदर वहां पर भयावह हालात हैं। 100 से ज्यादा परिवारों ने वीजा के लिए आवेदन किया है।